बड़ी खबर रीवा शहर के अमहिया थाना क्षेत्र से है, जहां शहर के धुबिया टंकी संजय गांधी अस्पताल गेट पर सड़क के किनारे कपड़ा बेचने वाली महिला की गुंडागर्दी देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि एक बुजुर्ग ठेले वाले व्यक्ति फुटपाथ पर कपड़ा बेचने वाली महिला ने चप्पलों से पिटाई कर दी। ठेले वाले बुजुर्ग का गुनाह बस इतना था कि महिला का घड़ा सड़क में रखा था, जिसमें बुजुर्ग के ठेले का धक्का लगा और जिसकी वजह से महिला का घड़ा फूट गया। इस वजह से कई घंटों तक महिला हंगामा करती रही और बुजुर्ग व्यक्ति की चप्पलों से पिटाई कर दी। पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह महिला अक्सर चौराहे पर हंगामा करती रहती है और ठेले वालों से मारपीट कर हमेशा उतारू रहती है मारपीट में और गुंडागर्दी कर अपराध करती है। तो क्या इस महिला के ऊपर भी कार्रवाई होगी? बुजुर्ग व्यक्ति महिला के साथ हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा और घड़े का पैसा देने के लिए तैयार था। इसके बावजूद महिला को कोई रहम नहीं आई और भरे बाजार में बुजुर्ग को पीटती रही। क्या मात्र पुरुषों के लिए ही यह सब घटनाएं अपराध की श्रेणी में आती हैं? क्या महिलाओं के लिए यह अपराध अपराध नहीं है? ऐसी महिलाओं पर आखिर क्यों जिला प्रशासन एवं पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती और खुले चौराहे पर बुजुर्ग बूढ़े व्यक्तियों के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है? आखिर इस महिला का किसका संरक्षण प्राप्त जो खुलेआम सड़क पर यातायात बाधित कर कपड़े की दुकान को सजा देती है और सड़कों पर निकलने वालों से छोटी मोटी बातों पर मारपीट पर आमदा हो जाती है। पूर्व में कई लोगों के साथ भी मारपीट कर चुकी है। बताया जाता है कि स्थानीय लोगों का कहना है कि पूर्व में भी इस महिला द्वारा कई बार कई लोगों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा चुका है, मगर इस महिला के खिलाफ किसी की हिम्मत नहीं होती पुलिस में शिकायत करने की, जिसके चलते इस महिला के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि पिटने वाला व्यक्ति महिला से भय खाकर वहां से अपनी बेइज्जती कराकर भाग जाता है, पुलिस थाना नहीं जा पाता। आखिर ऐसी आपराधिक गतिविधि पर कब जिला प्रशासन अंकुश लगाएगा और पुलिस अंकुश लगा पाएगी जो खुले आम सड़कों पर अपनी दुकान को सजाती है और सड़कों में से गुजरने वाले लोगों के साथ अक्सर मारपीट की घटनाएं घटित होती हैं। काया हो? अरे मटकी ले बनी फूट गया, हमको पैसा चाहिए बीस ना दे तो पाँच लग गए हैं, ऐसा बोल रहे हैं। मटकी पूरा नहीं, किसकी मटकी फूट गई? हम दे रहे हैं, फूट है, फूट गई है, हाँ, इधर में, फूट गई। कहीं तो चले जाओ, लड़ रहा है जो लगाया है, रही जाओ वही। काया हो? अरे मटकी ले बनी फूट गया, हमको पैसा चाहिए बीस ना दे तो पाँच लग गए हैं, ऐसा बोल रहे हैं। मटकी पूरा नहीं, किसकी मटकी फूट गई? हम दे रहे हैं, फूट है, फूट गई है, हाँ, इधर में, फूट गई। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगड़ाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र 150 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगड़ाल में 1800 से 4000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है 525 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगड़ाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोरहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9969316257 8962758722 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।